भक्ति है, मानते हैं इस बात? जी हाँ, वो ब्राह्मणवाद है, वो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, हमेशा आरक्षण को मौन करके मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा करके भाईचारा को नष्ट करना चाहता है। और हमारे नेता कास्ट कॉम क्राइम और करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता करने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी आदर्श पुरुष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजद के सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को मुरई की तरह उठाकर फेंक देना है, फेंकने जा रहे हैं आप? जी हाँ, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी और कांग्रेस के लोग, हम लोग एकजुट हो गए हैं, एक मंच पर आ गए हैं। जीतन राम मांझी हमारे साथ है, माले और लेफ्ट के लोग हमारे साथ है, तो आपको 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा बिहार। हम मुंगेरी लाल पासवान जैसे महापुरुष के धरती पर उनका स्वागत करते हुए मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट को, मंडल आयोग रिपोर्ट के आधार पर भारत की सरकारी नौकरियों में भी पूरे देश में, बिहार नहीं पूरे देश में लागू करने का मांग हम नीतीश कुमार से करेंगे। और अगले बार वो प्रधानमंत्री 24 में बने और हम लोगों को इतनी शक्ति दे, भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि अति पिछड़ों का कोटा केंद्रीय सेवाओं में भी तय हो, जैसे बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा का रिजर्वेशन तय है, उसी तरह से पूरे भारत देश में मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया जाए, ताकि केंद्रीय सेवाओं में भी हमारे अति पिछड़ी जाति के समाज को मौका मिले। 12वीं बार अध्यक्ष बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? लालू जी बने हैं तो हम उनको बधाई देंगे। लालू नेता है, वो अपने पार्टी में, अगर लोकतंत्र है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से अध्यक्ष बने हैं, तो इसमें क्या बने गलत है? साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी पार्टी का फैसला होगा तेजस्वी ही लेंगे, यानी तेजस्वी युग का शुरुआत हो गया है। नहीं, तो वो तो सही बोले हैं, वो तो अब बेचारे सिंगापुर गए हैं और बीमारी है, तो भाई अपने पुत्र को इस तरह का मतलब दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है?